मैंने दोस्तों यूट्यूब पर सर्च किया कि विवाहांतर किसे कहते हैं, तो दोस्तों विवाहांतर में उन पढ़ाने वाले चैनल थे, 4 से 5 चैनल देखे थे मैंने, उनमें सबको देखा था, उनको अच्छे तरीके से खुद को तो पता है नहीं कि विवाहांतर किसे कहते हैं, और आप लोगों का भविष्य खराब करने और लग गए। ठीक है, तो मैं इसी भी बताऊंगा आपको कि विवाहांतर किसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आप इस वीडियो को एंड तक देखना गाइस, 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, आपको आज के बाद बता दूंगा, आपको आज के बाद विवाहांतर कभी आपको याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि विवाहांतर, विवाहांतर से पहले पता होना चाहिए हमको विद्युत विभव। ठीक है, क्या पता होना चाहिए हमको? विद्युत विभव पता होना चाहिए। किसकी पहले? विवाहांतर से पहले। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप विद्युत क्षेत्र को जानते हो? विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? अगर आपको विद्युत क्षेत्र भी नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। देखो दोस्तों, ये हमारा ए बी एक तार, मान लो ए बी एक तार है। ठीक है, ए बी एक तार है, तो इसमें आई धारा बह रही है इधर से, ए से बी की ओर को क्या बह रहा है? हमारा आई धारा बह रही है। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है? जब आई करंट इसमें बहता है ना, मतलब किसी भी तार में जब करंट बहता है तो उसके चारों ओर क्या हो जाती है? विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, जब उसमें करंट बहता है तो उसके चारों ओर हो जाती हैं विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे मान लो दोस्तों, ये हमारा एक तार है और इसमें करंट बह रहा है इधर से इधर को, तो इसके चारों ओर है ना दोस्तों विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं, और वही विद्युत बल रेखाएं हमारा विद्युत क्षेत्र कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल गया होगा कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। तो देखो दोस्तों, विद्युत क्षेत्र को हम ई वेक्टर से दर्शाते हैं। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र को ई वेक्टर से दर्शाते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारा विद्युत विभव किसे कहते हैं? देखो, तो हम सबसे पहले Q1 आवेश ले लेते हैं। ठीक है, तो Q1 आवेश को यहाँ से उठाकर विद्युत क्षेत्र में कहीं भी लेके जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पर ले जाओ, आप यहाँ ले जा सकते हो, आपकी मर्जी जहाँ पर करें वहाँ पर इसको उठा ले जाओ। देखो दोस्तों, मैं सपोज दैट मान लेता हूँ यहाँ पर ला रहा हूँ इसको उठाकर। ठीक है, इस पॉइंट का नाम देता हूँ मैं ए। तो इस आवेश को यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाने में, ठीक है, इस आवेश को, जब मैं इस आवेश को यहाँ से विद्युत क्षेत्र में लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो इस आवेश को मैं ले आया यहाँ तक उठाकर। ठीक है, तो इस आवेश को यहाँ पर देता हूँ मैं अनंत इन्फिनाइट पे है। ठीक है, कहाँ पर आवेश है हमारा? अनंत पर। तो हम Q1 आवेश को अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु तक लाते हैं। ठीक है, हम किसी आवेश को अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमारा विद्युत विभव कहलाता है। तो देखो दोस्तों, ऐसे करके हमारा BA बराबर होता है हमारा W/Q1। समझ में आया दोस्तों? यानी कि अनंत से Q1 आवेश को उठाकर लाने में, हम अगर मान सपोज मान लो हमने हाथ से उठाया इस आवेश को, और इस हाथ से उठाकर इस आवेश को हम विद्युत क्षेत्र में लिखाए, तो विद्युत क्षेत्र इधर को है तो हम इधर को लेकर जा रहे हैं, इसके विपरीत लेकर जा रहे हैं। तो ये आवेश जो है वो विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं जो है वो हमारे हाथ में आवेश है, तो हमारे हाथ पे क्या लगाएंगे? बल। ठीक है, तो हमारा आवेश, हमारा हाथ जो है उस बल के विपरीत क्या करेगा? कार्य। क्योंकि बल इधर को लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, और हमारा बल कितना होना चाहिए, मतलब कार्य कितना होना चाहिए? 12 जूल का। ठीक है, तभी तो हम 2 जूल से आगे निकल के यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? हमारा विद्युत विभव। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट मान लो दोस्तों, ये हमारा क्या है? Q2 आवेश है। ठीक है, इसको भी हम अनंत से लेकर जा रहे हैं, तो इसको अनंत से हम किसी भी बिंदु तक ले सकते हैं। आप यहाँ ला सकते हो, मैं सपोज दैट इस पॉइंट तक ला रहा हूँ, बी पॉइंट तक। ठीक है, Q2 आवेश को, तो अनंत से Q2 आवेश को कहाँ तक लाने में? बी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र में बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमारा विभव कहलाता है। ठीक है, अब विभवांतर इन दोनों आवेशों से लिंक है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, तो Q2 आवेश को अनंत से बी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र में बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमारा विभव कहलाता है। ठीक है, तो B2 बराबर हो जाएगा हमारा W/Q2। इस प्रकार विभव A और विभव B, ठीक है, इन दोनों विभवों का अंतर ही हमारा विभवांतर कहलाता है।